दोस्तों, आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। केंद्र कर्मचारी के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। सरकारी कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज़। रिटायरमेंट एज में हो सकती है वृद्धि, पेंशन में भी होगा इजाफा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारी को जल्द डबल खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट एज और पेंशन राशि में इजाफा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव दिया गया है, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी की उम्र सीमा बढ़ाई जाए और पेंशन राशि में भी वृद्धि की जाए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें देश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू करने के सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की सख्त पड़ेगी। कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र में देरी को भी रेखांकित किया गया है। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के कौशल विकास के बारे में सुझाव देने के साथ साथ आर्थिक सलाहकार समिति द्वारा कर्मचारियों के हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन देने की बात की गई है। वहीं 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का प्रस्ताव भी भेजा है, ताकि देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में 50 और 60 के दशक में लोगों के लिए अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के अवसरों की सिफारिश की गई है। बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। इसमें लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक करीब 32 करोड़ भारत में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, जो कि देश की आबादी का करीब 19.5% होगा। ऐसे में इन मुद्दों पर सरकार गहरा मंथन कर रही है और जल्द बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। हेल्प एज इंटरनेशनल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वृद्ध लोगों के साथ और उनके काम करने वाले संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क भारत की कुल आबादी का 10% 2019 तक 60 से अधिक आयु वर्ग के थे। बुजुर्गों का अनुपात 2 गुना होने की उम्मीद है। 2050 तक 19.5% तक जब 5 में से 1 व्यक्ति के विशिष्ट नागरिक होने की संभावना है। केरल में वृद्ध लोगों का अधिकतम अनुपात 12.5% है। इसके बाद गोवा में 11.20% और तमिलनाडु में 10.4% का स्थान है। दक्षिण भारत में बुजुर्गों का उच्च अनुपात कम प्रजनन दर और कम बच्चों का परिणाम है। केरल और तमिलनाडु में प्रजनन दर 1.7 है, जो प्रतिस्थापना स्तर से कम है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।